जनाब कारी इस्माइल अतीक साहब को माइक पर तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم आवाज खोलो كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بلی بلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بلی اس ویلے دا کوئی نہیں بلی जदू जासी जान अकेली दुश्मन मरे ते खुशी नहीं करिए ते सजना भी मर जाना डिगर ते दिन गया मोहम्मद उड़क नूं डुब जाना चंगी मंदी सजना कोलों ते सौ वरी हो जांदी पर यार यारां ते गिला नहीं करदे असल परीत जिनांदी इकना नू रब इतना देवे ते बस बस करन जबानों कईयां नू रब कुछ भी ना देवे ते खाली जान जहानों असा किसे दे कुछ नहीं लगदे ते ना कोई साडा दर्दी
कंड करके लंघ जांदे कोलों ते रिश्तेदार करीबी देशों कड़ परदेश नूं सुटिया ते जिवें रब सोणे दी मर्जी ते दुखिए दी गल दुखिया जाने दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नूं की खबरां सज्जन जिन्हां दे मौत ने मारे मापे जिन्हां दे मौत ने मारे यारो तक तक रोंदे कबरां बस करो ना रोवो अखियो ते कुछ नहीं लभदा रोयां जिउंदिआं ते दुख मुकदे नाई मुक जांदे ने अल्लाह ताला दी हमदो सना हमदा सनावा किबरियाई बड़ाई तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात वास्ते है बेशुमार ला तादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम मेरे और दूसरा दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात अकदस ते हजरात अज अजीम व शान बेमिसाल बाद नमाज़े इशा तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम दरसे कुरान व हदीस मस्जिद इंतजामिया जमाती नमाजी बुजुर्ग आलम दीन मौलाना अब्दुल रशीद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला फजीलत शेख कारी मुदस्सर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मस्जिद इंतजामिया नमाजी जमाती जिन जिन भाइयों ने जो जो मेहनत मुहब्बत की थी ये अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर मकबूलो मंजूर फरमाए मोहतरम भाई चौधरी सरफराज हाफिज़हुल्लाह ताला मोहतरम भाई मोहम्मद सलीम साहब भाई मोहम्मद नदीम साहब और इसी तरह मोहतरम भाई उमर फारूक साहब भाई मोहम्मद यासर साहब पिछले दिनों इन्हां दी वालदा मोहतरम इंतकाल कर गई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह पाक मरहूमा दे दराजात बुलंद फरमाए जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने अल्लाह पाक खिदमत दी तौफीक दे जिन्हां दे तुर गए अल्लाह पाक आखरत दियां मंजिलां आसान फरमाए फिर कह दियो आमीन। समुंदरी तो पूरा काफिला अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम अंदर शिरकत वास्ते मेहमान आए ने नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील समुंदरी मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अस्टेज ते तशरीफ फरमा ने मोहम्मदी मस्जिद 466 रोड मस्जिद मुदर्रस कारी साहब फजीलत शेख राणा हाफिज़हुल्लाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए हैं और साढ़े इंतहाई काबिल एहतराम नई समुंदरी तो खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी अब्दुल खालक बुखारी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने और इज्जत माब फजीलत शेख अलहाज हाजी हबीबुर रहमान साहब नई समुंदरी तो माशाल्लाह वो भी तशरीफ ले आए ने और मुजाहद अनथक मोहतरम जनाब राणा जुल्फकार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला करीमिया गेस्ट हाउस वाले वो भी साढ़े आज दे मेहमान खसूसी ने माशाल्लाह मोहतरम भाई राणा मेहरान साहब इसे तरह बाबा जी अब्दुल हमीद सेक्रेटरी साहब मौलाना शकील सलफी साहब उलामा तोलाबा अब्दुल हफीज साहब अल्लाह पाक सबना दी आज दी हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए खतीब इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज उबैदुर रहमान नसार साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ा शानदार खताब फरमाया
अल्लाह पाक इस जवान दी उम्र अंदर जवानी अंदर बरकत अता फरमाए। ते शारे सलाम बाबा तबलीग चौधरी मोहम्मद रफीक साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला, बाबा जी ने भी कमाल कर छड़ी है। अज बड़े शानदार अशार तुहानू वालदैन की खिदमत के हवाले नाल ते नबी पाक की मुहब्बत और अतात फरमा बरदारी के हवाले नाल बड़े खूबसूरत शानदार अशार सुनाए ने। अल्लाह पाक मेरे तुहाडे सभना लई इस प्रोग्राम नू नजात दा जरिया बना दे, उच्ची आमीन को। हजरात थोड़े टाइम अंदर चंद गुजारशात ऐलान अगे हो बाज खाने का भी इंतजाम। लो जी मैं इंशाल्लाह मिनटा वाली गल करांगा ते बयान दे बाद इंशाल्लाह दुआ होएगी, दुआ दे बाद तुहानू खाना खिलाया जाएगा ते खाना खा के तुसा जाना कहो इंशाल्लाह। भाई उमर फारूक साहब, भाई यासर साहब, अल्लाह पाक इन्हां दे रिजक माल कारोबार अंदर बरकतां दे। अल्लाह पाक इन्हां दी वालदा माजदा नूं जन्नतुल फिरदौस अंदर आला मुकाम दे, आमीन कहो। तवज्जो मेरी तरफ, मां बाप बहुत बड़ी असीम नेमत है, अल्लाह पाक इन्हां दी खिदमत करन दी तौफीक दे। मैं कुरान पाक का जड़ा मुकाम पढ़े ना हजरात, अल्लाह पाक का डर खौफ दिल अंदर पैदा करो। अल्लाह पाक फरमा रहे ने ईमान वाले हो डर जाओ अपने रब को, कल अल्लाह पाक की अदालत अंदर तुसा पेश होना है। उते पुछया जाना है की कमा के ले आया है, की खट के ले आया है, हिसाबो किताब होएगा। उस दिन की फिक्र करो और तैयारी करो। यकीनन हजरात वालदैन दा अदबो एतराम इन्हां दी खिदमत करना, इज्जत करना, तौकीर करना, ये भी आखरत दी तैयारी है, जरूरत है। अज मुआशरे अंदर लोगों नूं दसिया जाए कि अम्मी दा मुकाम की है, अबू दा मुकाम की। पिछले दिनों एक बदनसीब ने अड्डा गुलाम हुसैन, बदनसीब पुत्र ने सोटे ते डांगा मार मार अपनी सकी मां नूं कतल कर दिता है, सोटियां दे नाल मार दिता। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ। एक दो नहीं बेशुमार वाकयात ने, मुजफ्फरगढ़ पिछले महीने एक बदनसीब ने टोका मार के अम्मी दी तौन ला के साइड ते कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। हजरात हालांकि अम्मी दा मर्तबा मुकाम, मां जी दा इतना मुकाम है, एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया, आंदा सोने हो अपने मोढ़ियां ते मैं कंधियां ते अपनी अम्मा नूं चुकिया, अपनी मां जी नूं चुक के पथरेला इलाका ते पैदल तुर तुर के बैतुल्ला दा तवाफ कराया है, हज कराया है, ते कई तवाफ कराए ने, क्या मैं अपनी अम्मी दी खिदमत दा हक अदा कर दिता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों तू पैदा होया सें ते तेरी अम्मी नूं जिहड़ी तकलीफ हुई दर्दे जै, वो जिहड़ी तकलीफ हुई सी अजे ते उहदा हक भी अदा नहीं होया। जदों तू पैदा होया सें तेरी अम्मी ने तकलीफ नाल जिहड़ा हाका भरिया सी उनका हक भी अदा नहीं होया। और तुसा हबाब ने कई बार हदीस सुनी है, प्यारे आका फरमाते ने जो बच्चा पैदा हो जाए या बच्चा पैदा होने वाला अय्यामे नफास अंदर जचगी दी हालत अंदर अगर माँ फौत हो जाए इस तकलीफ दे नाल दर्द नाल, खुदा दी कसम अल्लाह पाक इस माँ नू शहादत दा मुकाम दे के जनता दा वारिश बना देंदा है। इस तकलीफ दा हक नबी पाक ने फरमाया जो तू पैदा होया से जिहड़ी तकलीफ बर्दाश्त कीती उहदा भी हक अदा। ते इस तकलीफ दी रब दे हां कितनी कदरों कीमत है, फरमाया इस तकलीफ नाल अगर वो बीबी फौत होगी ते अल्लाह पाक इनू जनता दा वारिस बना देवेगा। अज लोग ना फरमानी अगे सुनते स, हुण नाफरमानी दूर दी थप्पड़ मार रहे ने, जुल्म कर रहे ने, ज्यादतियां कर रहे ने, मां बाप नूं कतलो गारत तक लोग पहुंच चुके हैं।
हालांकि प्यारे आका ने फरमाया लान अल्लाहु मन सब वालिदई है, अपने वालदैन नु गाल ना कढ़िया जे जड़ा गालां कढ़दा हुंदे ते रब दी लानत है। एक सियाबी कहंदे सोणे हो अपने मां बाप नु भी भला कोई गाल कढ़ सकदा है। साहबा इकराम अगर सवाल ना ना करदे तो हो सकदा सानू भी मसले दा पता ना लगदा। एक सियाबी कहंदा अपने अम्मी अबू नु कौन गाल कढ़दा है। आका फरमांदे ने जो कोई बंदा किसी के मां बाप नू गाल कढ़दा है तो यकीनन जवाब अंदर फिर इंदे मां बाप नू गाल कढ़दा है, गोया कि इस बंदे ने अपने मां बाप नू गाल कढ़ी है, गाल कढ़वाण दा सबब बनया है। तो हजरात गाली देना बहुत बड़ा जुर्म है। जिस दौर चो असीं गुजर रहे हैं अल्लाह करे रब्बुल आलमीन सानू कुरान और सुन्नत बा मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन को जरूरत है मुआशरे अंदर इन्हां नूं वालदैन दा मुकाम मरतबा आजमत और शान दसी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वालिदो औसतु अबवाबिल जन्ना, बाप जन्नत दा मेन गेट है, बाप दी रजामंदी अंदर अल्लाह पाक दी रजामंदी है, अम्मी दी खिदमत मां दे कदमां थले रब ने जन्नत रखी है। मैनू भाइयों ने कहा सी अम्मी दा विछोड़ा बयान करना है, मैं इंशाल्लाह इसे हवाले ना कोई चंद गुजारशात इंशाल्लाह खिदमत दा दुनिया जहान अंदर क्या सिला मिलेगा। मां बाप दी खिदमत दे फायदे एक अलग मजमून है, ये फिर किसी मौका ते। विछोड़े दा दर्द मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ही बात शुरू करना, जिस मुर्शद दा सी कलमा पढ़िया हुजूर दी सारी जिंदगी साडे लई बेहतरीन नमूना है। कुरान पता की आंदा है फरमाया लगद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाहा वल यौमल आखिरा वज़करल्लाहा कसीरा। पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी साडे लई बेहतरीन नमूना। मेरे आका नूं ख्वाब आई, तवज्जो करना कि मैं उमरा कर रहा सर दे बाल मंडवाए ने, ए ख्वाब आई ते नबियां दी ख्वाब वही हुंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं फरमाया तैयारी करो, 1400 दे करीब नफूसे कुदसिया दी जमात मदीने निकले ने, इहराम बन ले उमरा करन वास्ते जा रहे, तुरदियां तुरदियां आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए उमराए। जदों हुदैबिया मुकाम ते पहुंचे मेरे पाक पैगंबर दी सवारी बह जांदी है, उस उम्रे दी बात कर रहे हैं, तुरदियां तुरदियां रस्ते अंदर मुकामे अबवा आ जांदा है, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे अबवा ते पहुंच जांदे ने। इस मुकाम ते पहुंच गए, सही मुस्लिम अंदर लिखे है मेरे आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मैनू इजाजत दे दे मुकामे अबवा आ गया है, इत्थे मेरी मां आमिना फौत हुई सी, मैं अपनी अम्मी दी कबर ते जाना चाहना, मुकामे अबवा ते मेरे आका ने अल्लाह पाक कोल इजाजतां मंगियां ने, अपनी वालदा माजदा दी कबर ते तशरीफ लै जांदे ने। सुनिया जे जरा ध्यान नाल उमर इब्ने खत्ताब आखो रज़ी अल्लाह, बोलो जरा रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह तआला नो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अनहो नाल ने मेरे आका तुरदियां तुरदियां हजरात अपनी अम्मी दी कबर ते गए, ढेरी दे करीब जाके बह जांदे ने। हुजूर ने अपना दाया हथ
कबर दे उत्ते रखे है, मेरे आका कबर दी टेरी ते हाथ फेरी जांदे ने ते नाले रोई जांदे ने, अखां जो आंसू जारी ने। ओ मां दियां मोहब्बतां, अम्मी दियां मोहब्बतां ते ममता, ओ बोल ओ प्यार दियां गल्लां याद कर करके रोई जांदे ने। मेरे तेरे मुर्शद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां चों आंसू निकल के दाढ़ी दी तरफ आ रहे ने। उमर बिन खताब आंदे ने, सुने हो भला ए किंदी कबर है, क्यों इन्ना रो रहे हो? मेरे आका फरमांदे ने, सहाबियो ए मेरी वालदा माजदा मां सैयदा आमिना दी कबर है। हुजूर फरमांदे ने, ए मेरी वालदा दी कबर है, इस मुकाम ते मेरी अम्मी मैनू जुदाइयां दे के चली गई, ए मेरी अम्मा दी कबर है। मेरे आका रो रहे ने, नाले बयान करदे ने, साथियो इस मुकाम ते मेरी मां मैनू दुआवां दे रही। आवाज खोलो जरा, इंदी की मसला, खोलो जरा आवाज। मेरी वालदा माजदा मैनू दुआवां दे रही ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजे मैं पैदा नहीं होया, मेरा बाप अब्दुल्ला पहले ही फौत हो गया, मैं अपने अबू अब्दुल्ला दा चेहरा नहीं वेखिया। उम्र कोई 5-6 साल दी या 5.5 साल दी, अपने नानकियां दे कोल ननहयाल कोई 1 महीना या 1.5 महीना नानकियां ते गुजार के मेरे आका वालदा दे नाल मक्के तशरीफ लै जा रहे ने। इस मुकाम ते वालदा माजदा माँ आमीना बीमार हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, दारू दवा रस्ते अंदर टोटके काफ़ी इस्तेमाल किए गए, लेकिन तबीयत अंदर कोई अफाका नहीं होया। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तेरे मुर्शद पाक फरमांदे ने, सहाबियो मेरी अम्मी इस मुकाम ते बीमार सी लेटी, मैं अपनी अम्मी दे कदी दाएं जांदा कदी बाएं जांदा ते निके निके हत्थां नाल अम्मा जी नूं दबा रहा सां, ते मेरे पाक पैगंबर दी वालदा माजदा बेटे दा मत्था चुम रही ते मां दी ए बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बेटे तेरे अब्बू ने तेरा चेहरा प्यारा, तेरा चेहरा नहीं देखिया, शक्ल प्यारी नहीं देखी, ते इंज लगदा अज मैं तेरी मां दुनिया छोड़ के जा रही हां, ते मैं तेरिया जवानियां मानियां नहीं वेख सकांगी। ऐ सुनो जरा ध्यान नाल, आका फरमांदे ने, इस मुकाम ते मेरी वालदा दुआ कर रही सी, उम्र तेरी विच बरकत होवे, बहुत तो दुआ फरमाई, अखा मेरिया हिजरों रोवन ते नींद अजल दी आई। मक्का दूर ते दूर मदीना खैशा खबर न गाई, मक्का दूर ते दूर मदीना खैशा खबर न कोई, विच परदेसा ते किवें बात बराबर होई, एक यतीम दूजा परदेसी ते रब नू मालम हालां, विच परदेसा किवें आया ते वक्त जुदाइयां वाला। मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहारे ने अपनी वालदा नू याद करके अम्मी दा बछोड़ा, मेरे आका इस बछोड़े दे दर्द अंदर सुबहारे। सुनो लोको ध्यान नाल, मेरे मुर्शद पाक नू अम्मी दी जुदाई दा सदमा, ये तकलीफ ते आमीना दे दिल ते आमीना दे लाल दे दिल ते भी गिरां गुजरी है। सुनिया जे जरा गौर नाल, मां दी ममता मां दी
मोहब्बत एक मीम मां वाली एक मीम मोहम्मद वाली एक मीम मक्के वाली एक मीम मदीने वाली एक मीम मौत वाली जिनिया मीमा ने मोहम्मद वाली मीम अंदर अल्लाह पाक ने उम्मत दा दर्द रखे आए ते मां वाली मीम अंदर अल्लाह पाक ने औलाद दा दर्द रखे आए के मां दी मिठड़ी बोली सी ना ठार दिए पुत्र कह के मां जद वाजा मार दिए मां दी मिठड़ी बोली सी ना ठार दिए मां दी मिठड़ी बोली सी ना ठार दिए सोना कह के मां जद वाजा मार दिए ख्वाब दे विच भी जेकर पुत्र डर जावे ख्वाब दे विच भी जेकर पुत्र डर जावे मां ड्यूटी देंदी पैरे दार दिए पुत्र कह के मां जद वाजा मार दिए मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए पुत्र कह के मां जद वाजा मार दिए आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात मेरे आका एक दिन मक्के शहर अंदर अपनी जौजा मोहतरमा मोमना दी मां सैयदा खतीजा दे कोल बैठे करे तो श्री फरमान अचानक बारों दरवाजा खट गया दरवाजा खटखटाण वाली कोई बीबी गडेरी उम्र दी औरत इन्हें आवाज मारी ए बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर जी में बैठे ने जल्दी नाल उठ के दौड़ पे मेरे आका जल्दी नाल दरवाजे दी तरफ दौड़ पे काले काले सैयदा खदीजा फरमादियां ने सोनियों की गल इतना जल्दी जल्दी दरवाजे दी तरफ जा रहे हो आका फरमांदे ने खदीजा इंज लगदा ही जिवें मेरी सक्की मां आमीना कबरां चू उठ के बार दरवाजे ते आ गई है ते मैनू आवाजां मारी जांदी है इंज लगदा है जिवें मेरी सक्की मां दरवाजे ते आ गई है हजरात मेरे पाक पैगंबर दरवाजा खोलदे ने एक बुढ़ी जी अम्मा चेहरे ते सलवटां पईयां ने पहला कदे मक्के अंदर नजर नहीं आई आका फरमांदे ने अम्मा कौन है कित्थों आई है ये नबी पाक नूं वेखी जांदी है ते नाले रोई जांदी आका दा हाथ फड़ के चुम्मन लग पई रो के आंदी है बेटा पहले रज के अपने बेटे दी ज़ियारत कर लवां तार भी करा देनियां नाले रोई जांदी नाले हाथ चुम्मी जांदी है आका फरमांदे ने अम्मा कौन है ए अम्मा बोल के आंदी सुनियो क्या तुसा मैनू नहीं हो पहचानिया मैं तुहाडी बचपन दी रजाई मावां बचपन तू मेरे कोल गुजारे सोनियो बचपन अंदर छोटी जी उम्र तेनू वेखिया सी अज जवानी अंदर वेनी पईयां मैं तेरी दुध दी रजाई मावां मेरा नाम हलीमा है रसी अल्लाह ताला नहा दो साल मैं तेनू छाती दा दुध पिलाया मेरे आका नु सारियां बचपन दियां गल्लां याद कराईयां हुण जदों दस्या के मैं तेरी रजाई मां दुध वाली तेरी मां तू बचपन मेरे कोल गुजारिया है हुण मेरे मुर्शदियां अखां चूबियां सू निकल पे अपनी मां दा हाथ फड़िया ते मेरे आका चुम्मन लग पे अम्मी दा हाथ फड़ के फरमाया अम्मा जरा करे तशरीफ ले आओ अंदर तशरीफ ले आओ जग्गां दे पीर ने अपनी चादर मोड़ियां तू तारी ते इंज जमीन ते चादर बिछाई आका फरमांदे ने अम्मा जी मेरी चादर दे ऊपर तशरीफ रखो नबी पाक ने चादर नीचे बिठाई बिछाई अम्मा जी हलीमा नु अपनी चादर दे ऊपर बिठाया ते अम्मा जी हलीमा मेरे पाक पैगंबर दी रजाई मां आखो रजी अल्लाह रसी अल्लाह ताला अनहा नबी पाक दे कोल बैठियां हुण आका पुछदे ने अम्मा
इमाम तेरा की हाल है। सैयदा खतीजा आ गई सोने बुढ़ी दी अम्मा कौन है? फरमाया खतीजा है मेरी दुध दी रजाई मां हलीमा आई है। हलीमा दाई मेरे बुए ते आई है। ते आका फरमांदे ने अम्मा तेरा की हाल है, मेरी भैन शीमा दा की हाल है, ते वीर अब्दुल्ला दा की हाल, खानदान अहले इलाका दा की हाल है। गल्लां बातां पूछ रहे ने ते अम्मा जी हलीमा गल्लां करदियां करदियां रोन लग पई। रो के आंदी है बेटा की दुख भोला, अज मैं तेरी मां तेरे बुए ते मजबूर हो के आई हां। ए मेरे लाल जद तू बचपन अंदर साडे करे गया सें, अल्लाह ने रहमतां ते बरकतां कर दित्तियां, बकरियां रज रज वापसी आउंदियां, हवाने दुध दुध करके आउंदियां, अल्लाह पाक ने रिजक अंदर माल अंदर बरकतां दित्तियां। ते मेरे बेटे जदों दा तू वापसी आए अल्लाह पाक ने रहमतां बरकतां ओ चस नहीं रही, वो सारिया चीजा वापसी लौट गई ने। हुण गुरबत बड़ी है, परेशानी बड़ी है, मैं तेरी मां मकरूजा परेशान हाँ, कई कई दिन चुल्हे अंदर अग नहीं बलदी। तेरी बहन रजाई बहन शीमा भुख दी वजह नाल हड्डियां दा टांचा बन चुकी है। ते अम्मा जी खतीजा रो के आंदियां ने, ए सोने महबूब जी अज मैं तेरी मां तेरे कोलों अज मजबूर होके आई हाँ, कुछ आटे दाने दा सवाल करन वास्ते आई हाँ। हजरात मेरी तरफ वेखिया जे कई कई दिन करे खानू कुछ नहीं मिलता, ए नसामे कुदरत है। कोई सुबह शाम गोश्त खांदा है ते कईयां करे डंग दा आटा नहीं। एक ही बाप दे दो बेटे ने, एक पिंड दा चौधरी है ते दूजे दे घर दे अंदर खान वास्ते डंग दा आटा कोई नहीं। मर्जियां दा मालिक कौन है? फिर बोलो ना सारी दुनिया को जीए, ना सारी दुनिया सोनी है, वे बंदा पावे कुछ करे जो होनी है सो होनी है। पंड दुखां दी सिर ते जा जिस ढोनी है उस ढोनी है। इको वल अंगूरां दी कुछ खट्टे ने कुछ मिठे ने, वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने। हथ लाया मैले हुंदे कई, कई तवे नालो बहुते काले ने, कई मारे होए नसीबां दे कई बहुते ही करमा वाले ने। ओ किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने, क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने। अगले जुमले भी बड़े दर्दनाक, ए दो तीन जुमले भी सुने जे, किते लस्सी पीन नू लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते सोना 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 है, किते कन्ना विच पानू वाले नहीं, किते रक्षे जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड़े ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने, किते सोना 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 है, किते कन्ना विच पानू वाले नहीं, किते रक्षे जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड़े ने। वो किते गमा तू छुट्टी मिलदी नहीं, किते गमा तू छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां विच अटे ने। वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या प्यारे नक्शे कट्टे ने। वमा तशाउन इल्ला अं यशा अल्लाह, मर्जियां दा मालिक अल्लाह पागे। मैं गुजारिश कर रहा वा आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मां हलीमा दी सोणियो
मैं तुहाडी रजाई मां तुहाडे बूए ते आई हां ते मजबूर होके आई हां गुरबत दी सताई आई हां। सुनो लोको मेरी तरफ वेखिया जे खुदा दी कसम जदों मां रजाई मां कहिंदी होएगी ए महबूबा मैं मजबूर होके तुहाडे बूए ते आई हां ते जरा मैनू जवाब दिया जे आमीना दे लाल दे दिल ते क्या गुजरदी होएगी। इन्हें आवाज़ खोलो मैं मैक दे करीब मुँह करा तो शाट मारद अर्थ मार रहे तो जरा पिछा हटा तो आवाज़ कट जाती आवाज़ खोलो क्या मसला है अल्लाह पाक तुहाडे साउंड अंदर बरकत दे आवाज़ खोलो जरा इन मेरी तरफ वेख्या जे जरा गौर करे जे मैं कोई चंद गल्ला जो स्पीकर डिस्टर्ब करे तो मैं किवें कोई चंद गुजारशात करा जे करीब मुँह करा अर्थ मार रहा है मेन मेरे ख्याल है साउंड वाले मेरी गल ही नहीं समझ आ रही। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अपनी अम्मा हलीमा दी गमे दास्तान सुनी जांदे ने ते गमे दास्तान सुनदे हैं मेरे तेरे मुर्शद पाक फरमांदे ने अम्मा परेशान ना होवो नाम परेशान होवो मैं तुहाडी खिदमत करांगा जरूर खिदमत करांगा लेकिन अपने बेटे कोल चंद दिन गुजारो। ऐ सुनिया जे जरा ध्यान नाल एनी अंगूड़ियां जावां जग ते लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं एनी अंगूड़ियां जावां जग ते लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं मां दे वांगों किन्ने दर्द वंडाउणा है मां दे वांगों किन्ने दर्द वंडाउणा है एवें बुआ खटके दस किन्ने आउणा है एवें रोले पाना लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं मां दा लोगो अनत विछोड़ा सहना है मां दा लोगो अनत विछोड़ा सहना है फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला उठ पुत बिस्मिल्ला दिया फिर दुआवां लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावां लभदियां नहीं। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अम्मा मेरे कोल कुछ दिन गुजारो मैं तुहाडी खिदमत जरूर करांगा। रवायात अंदर आउंदा हफ्ता डेढ़ हफ्ता अम्मा जी हलीमा मक्के शहर अंदर नबी पाक कोल वक्त गुजार दियां मेरे आका खिदमत करदे ने। एक दिन अम्मा फरमांदियां ने सोणियो मैनू इजाजत दिओ मैं हुण वापसी जाना चाहनी हां। मेरे आका बाजार चले गए एक कपड़े दा जोड़ा एक चादर अम्मी वास्ते खरीद के ले आए एक कपड़े दा जोड़ा एक चादर अपनी रजाई बहन सीमा वास्ते खरीद के ले आए ने। आका फरमांदे ने अम्मा ऐ मेरी तरफों तोहफा है कपड़े दा जोड़ा जेबतन कर लवो ऐ चादर मैं तुहाडे वास्ते लैके आया। अम्मा जी ऐ कपड़े दा जोड़ा ते दूजी चादर ये मेरी भैन रजाई बहन सीमा नू दे देवी। आ सुनो नौजवानों बाबेओ इत्थे लोग बहणां दा हक दबा जांदे हक खा जांदे ने मेरे मुर्शद पाक दी जिंदगी बेहतरीन नमूना आका दा रवैया की है तरीका की है। मेरे आका दुध दी रजाई भैन वास्ते तोहफे भेज रहे एक ना भैन रो रही है ते रो के आंदी मौलाना अरसा गुजर गया है मेरा सक्का भरा मैनू बुलांदा कोई नहीं मेरा भरा मेरे नाल गुफ्तगू नहीं करदा आंदी मेरा कसूर इक्को ही है। एक दिन मैं कह दिता वीर अब्बा जी दी जदाद विचों जड़ा मैनू हिस्सा आउंदा है साडा हक सानू दे दे उस दिन दा मैनू
कहन लगा तू मेरे वास्ते मर गई है, तेरे वास्ते मेरे दरवाजे बंद ने। रो के आंदी ए मेरा कसूर है, ए मेरी गलती है, जेड़ा बाप दी जदाद अंदर अल्लाह पाक ने हक रखे आए। आमीना दे लाल ने दसे आए, एक दिन मैं गुजारिश कर बैठी हाँ, आंदा तू जदाद विचो हिस्सा मंगया क्यों, तू मेरे वास्ते मर गई मैं तेरे वास्ते मर गया। खुदा दी कसम निकी निकी गल ते भरा पैरां नाल बाई काट करके बह जांदे। सुनो लोको ध्यान नाल, जिस मुर्शद पाक दा कलमा पढ़िया जे मेरे पाक पैगंबर दुध दी रजाई पैन दी खिदमत दा मुल पाया है। मेरे आका ने हुस्ने सलूक दसिया है और आका फरमांदे ने जेड़ा भाई अपनियां दो बहनां दे नाल हुस्ने सलूक करे अल्लाह पाक इस वीर ते जहन्नम दी अग नू हराम करके इंदे नाम जनता अलाट कर देंदा है। इत बस नहीं, नबी पाक ने अम्मा जी नू कपड़े तोहफे दिते चादर दिदिया ने। मेरे मुर्शद पाक दी बीवी सैयदा खतीजा तशरीफ ले आईया, आंदियां ने सोने ओ एक ऊंट अम्मा जी हलीमा दी सवारी वास्ते देनी आ, दूजा ऊंट गले अनाज ना लद्या होया ये भी मैं मां हलीमा नू तोहफे अंदर देनी आ। इत बस नहीं, अम्मा जी खतीजा फरमादियां ने सोने ओ ऐ 40 बकरियां लेके आई हां, 40 बकरियां भी तोहफे अंदर देनी हां अम्मा हलीमा नो। मेरे मुर्शद पाक ने 40 बकरियां भी दितियां, अनाज गले ना लदया ऊंट भी दिता, एक सवारी ली ऊंट भी दिता। ते मेरे आका मां हलीमा नु अलविदा कर रहे ने, आका फरमांदे ने अम्मा एक मेरे ना वादा कर, जदू ऐ अनाज राशन मुक जाए फिर दोबारा बेटे को जरूर आई, बेटा तेरी खिदमत करेगा। सुभान अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर ने हजरात एक किरदार पेश कीता है मुआशरे वास्ते। नबी पाक दी जिंदगी बेहतरीन नमूना, कैसा आलीशान रवैया पेश कीता है। ओए नौजवानों बाबे हो, मेरे मुर्शद पाक ने मां बाप दी खिदमत दी तालीमात दिती है और खुद भी खिदमत करके नबी पाक ने सानू दसे है। सुनिया जे जरा गौर नाल, कुरान अंदर वकजा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इशाहू बिल वालिदैने एहसाना। अल्लाह पाक दा फैसला है इबादत अल्लाह पाक दी कीती जाए ते खिदमत वालदैन दी कीती जाए, वालदैन दी खिदमत कीती जाए। अल्लाह पाक ने ऐसा अजीम रिश्ता बनाया है रब दे बाद इस कायनात अंदर औलाद वास्ते अगर मुखलस तरीन कोई रिश्ता है हजरात ए अम्मी ते अब्बू दा रिश्ता है, अम्मी ते अब्बू वाला। अल्लाह करे असी मां बाप दा मुकाम समझन वाले बन जाइए और मां बाप दी खिदमत करने वाले बन जाइए। आमीन कह दियो। असी अम्मी दा मर्तबा मुकाम समझ के इन्हां दी खिदमत करने वाले बन जाइए। अगर दो जग अंदर तू सुख चाहना है दसा अमल तू करके की लिया कर, जिस हाल अंदर होवे मां राजी उस हाल अंदर तू जी लिया कर। उच्ची बोल ना बोल बैठी मां अगे, मां अगे लबान तुसी लिया कर। जदू तेनो तेनू सुकून दी लोड़ होवे खिदमत पैर तो के मां दे पी लिया कर, इंदे तू मुराद मां बाप दी खिदमत दे। ऐ सुनिया जे हजरात ऐसियां नेमतां ने एक वारी खुश जान दोबारा नहीं जे मिलदियां। मां दा विछोड़ा, इत्थे एक गल और याद आ रही है। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने, मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी आया आके मेरे आका नू खबर देंदा है, मेरे मुर्शद पाक नू खबर देंदा है। आके आंदा है सोणियो तुहाडी चाची अम्मा फौत हो गई है रसी अल्लाह ताला अनहा, इंदा नाम फातिमा बिनते असद है। हजरत अली पाक दी वालदा सैयदना अली रसी अल्लाह ताला अनहो दी वालदा मोहतरमा हसनैन करीमैन दी दादी जान जिंदा नाम फातिमा बिनते असद है रसी अल्लाह ताला अनहा
फौत हो गई ने मेरे मुर्शिद पाक नो पैगाम मिलिया ऐ सुनिया जे कुरान कुरान आंदा कुल इनल मौत लजी तफिरून मिनहु फइनहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरदूना इला आलिमिल गैब वशहादा फयुनबियुकुम बिमा कुनतुम तामलू जिथे जिंदा टाइम अल्लाह पाक ने लिख देना है मौत ने आके दबोच लेना है मौत ने आके पंजे गड देने ने मौत नहीं वेंदी ए बच्चा है मौत नहीं वेंदी ए मां है मौत नहीं वेंदी ए यार है मौत नहीं वेंदी ए दोस्त ते भाई है जिंदा जिथे टाइम लिख दिता मौत ने पंजे गड देने ने जेड़ा आया जान वास्ते आया इस जग विच बंदिया परौणा तू आया परौणिया नू जान पैंदा ए इस जग विच बंदिया परौणा तू आया परौणिया नू जान पैंदा ए इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया परौणिया नू जान पैंदा ए परौणिया नू जान पैंदा ए पुछो उन्हां मावां नू उन्हां मावां दा की हाल ए पुछो उन्हां मावां नू उन्हां मावां दा की हाल ए तुर गया जिन्हां कोलों सोहना प्यारा लाल ए उन्हां मावां इन्हां मावां भी दुख सीने लाया परौणिया नू जान पैंदा ए इस जग विच बंदिया परौणा तू आया परौणिया नू जान पैंदा ए तेरे अमला ने रहना ए बगाया परौणिया नू जान पैंदा ए आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पैगाम दिता गया हुजूर उठ के तुर पे सहाबा नाल ने दसिया गया सोने तुहाडी चाची अम्मा फौत हो गई है रसी अल्लाह ताला अनहा ते मेरे आका सईदना अली पाक दी वालदा माजदा दी वफात दी खबर सुन के तुर पैंदे ने ते मेरे आका तशरीफ लै गए चाची अम्मा दी लाश दी उत्ते कपड़ा दिता होया सुनिया जे गौर नाल लाश दी उत्ते चादर दित्ती होई मेरे आका लाश दे करीब खड़े ने रोई जांदे ने आका फरमांदे ने ए मेरे अल्लाह मेरी चाची अम्मा नू मुआफ कर दे इंदे दराजात बुलंद कर दे इत्थे नबी पाक ने दो चार और भी बातां कीतियां हजरात इन्हां बातां दे अंदर दुख दर्द बड़ाए आका फरमांदे ने सहाबियो इस मेरी चाची अम्मा दे मेरे ते एहसान बड़े ने एहसान ते नेकियां याद कर करके आका रो रहे ने नबी पाक फरमांदे ने अजे मैं पैदा नहीं होया मेरा बाप अब्दुल्ला पहले ही फौत हो गया ते मेरी उम्र 5-6 साल दी मेरी मां आमिना देशों परदेस फौत हो गईयां आका फरमांदे ने मैं दादा अब्दुल मुत्तलिब दी कफालत अंदर आया 8 साल दी उम्र होई दादा अब्दुल मुत्तलिब भी फौत हो जांदा है मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं फिर अपने चाचा अबू तालब दी कफालत अंदर आया ए चाची फातिमा बिनते असद हजरात ए अबू तालब दी बीवी है सैयदा फातिमा बिनते असद ए नबी पाक दी चाची भी इन कलमा भी पढ़िया सहाबी आवी रजी अल्लाह ताला अनहा आका फरमांदे ने इस मेरी चाची ने मेरे नाल मां वाला प्यार कीता बड़िया मोहब्बतां ते बड़े एहसान आका फरमांदे ने परवाने हो मेरी चाची खुद चंगा नहीं सी खांदी मैनू चंगा खिलाया कर दी खुद चंगा नहीं सी पहनदी मैनू चंगा पहनाया कर दी दुध वाला प्याला पेश करना हुंदा अपने बच्चियां नू बाद अंदर दुध वाला प्याला पेश कर दी पहला मैनू दुध वाला प्याला देंदी खाना पहले मैनू खिलांदी अपने बच्चियां नू बाद अंदर मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने हजरत अली पाक और छे भाई छे बहन भाई ने दो बहना ते चार भाई ए कुल छे बहन भाई ने आका फरमाते ने छे बहन भाइयों नु खाना बाद अंदर चाची अम्मा देंदी पहले खाना मैनू खिलांदी हजरत अली पाक और चार भाई दो बहना बड़े भाई दा नाम तालब अब बाप दी कुनियत अबू तालब मशहूर है दूजे भाई नाम अकीले तीजे भाई दा नाम जाफर तैयार रसी अल्लाह ताला नो ते हजरत चौथे नंबर ते हजरत अली ने रसी अल्लाह ताला नो हजरत अली पाक दिया दो बहना ने दो बहना एक बहन दा नाम जमना या जमाना दूजी बहन दा नाम उम्मे हानिया को रसी अल्लाह ताला अनहा उम्मे हानी कौन है हजरत नबी पाक जदों मेराज ते गए ने ते कई रवायात ने एक रवायत अंदर हुंदा है मेरे आका सैयद उम्मे हानी दे घर दे अंदर लेटे होए सन ए उम्मे हानी हजरत अली पाक दी सगी बहन है मेरे आका दी चचा जाद बहन है उम्मे हानी कौन है इत्थे जरा एक हदीस सुनया जे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का फतह होया मक्का फतह हो गया खुशी दा दिन ने सुनया जे इत्थे बड़ी कमाल दर्जे दी रवायत है ते मक्का फतह हो गया मेरे आका नु भूख ने बड़ा सताया ते मेरे आका तुरदियां उम्मे हानी दे घर दे अंदर चले जांदे ने ए आका दी चचा जात बहन है अली पाक दी सगी बहन उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अनहा आका फरमांदे ने बहना तेरे वीर नु भूख बड़ी लगी है कुछ खाण वास्ते है दे दे सैयदा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अनहा अपने कमरे हुजरे दे अंदर चलियां गईयां मेरे आका बार सेन अंदर तशरीफ फरमा कई किन्नी देर हो गई आका इंतजार करदे रे कोई जवाब नहीं आया आका फरमांदे ने बहना उम्मे हानी बहना तेरे वीर नु भूख बड़ी लगी है जो कुछ कर दे अंदर है ले आओ ते सैयदा फरमांदियां ने सोणियो मैं आ रही हां फिर कुछ देर गुजर गई आका ने फिर आवाज मारी बहना की गल है ते सैयदा उम्मे हानी रोन लग पईयां आंदियां ने सोणियो अज मेरा परा मक्के दा फाते बन के आया है खुदा दी कसम मेरे घर दे अंदर खाण वास्ते कुछ भी नहीं कि अपने वीर नु पेश कर दे डंग दा आटा नहीं कोई सालन रोटी कुछ भी कोई नहीं सोने हो की पेश करा अज मक्का फतह होया है अज मेरा परा फाते मक्का बन के आया है बहन दे करे आया है ते खिलान वास्ते बहन दे कोलो कुछ भी नहीं मेरे आका फरमाते ने बहना परेशान नहीं होना जो कुछ है ले आ ते सैयदा रो के आंदियां ने सोणियो रोटी दे थोड़े जे टुकड़े ने रोटी दे सुके टुकड़े ओ भी सख्त ने ते सुके होए ने ओ घर दे अंदर पए ने आका फरमाते ने बहना जड़ा रोटी दे सुके टुकड़े मेरे को लेके आ उस रोटी दे सुके टुकड़े ले आंदे गए आका फरमाते ने मेरी बहना इंज कर एक प्याले अंदर पानी ले गया एक प्याले अंदर पानी दिता जांदा है नबी पाक ने ओ रोटी दे सुके टुकड़े पानी अंदर पगो दिते कुछ देर बाद नरम हो जांदे ने ते मेरे आका ओ टुकड़े खाई जांदे ने ए ओ नबी ए अल्लाह पाक फरमांदे ने सोणियो जे इजाजत देवे ते मैं तेरे वास्ते ओद पहाड़ नु सोने दा बना देवां आका फरमांदे ने ना मेरे अल्लाह एक वक्त दे दिया कर खा के तेरा शुक्र अदा करा एक वेले भुखिया रह के तेरा शुक्र अदा करा या अल्लाह मैनू गरीबां अंदर रखी गरीबां दे अंदर मारी कल कयामत नू गरीबां अंदर उठाई क्यों आका फरमांदे ने लोगो अमीरां नालों गरीब पहला जन्नत अंदर चले जाणगे ऐ सुनिया जे त्यान नाल ए ओ उम्मे हानी है रसी अल्लाह ताला अनहा हजरत अली पाक दी सगी बहन है मैं गुजारिश कर रहा आका अज अपनी चची अम्मा फातिमा बिनते असद दी लाश दे कोल
माहौल घड़ गए। मेरे आका तारीफ कर रहे ने, चाची अम्मा ली दुआ कर रहे, फरमाया अपने बच्चियां नू खाना बाद अंदर देंदी, पहले मैनू खाना खिलांदी। आका फरमांदे ने मेरी अम्मी आमिना दे बाद मेरी मां सी, ए मेरी मां सी। नबी पाक रो रहे ने, उमर बिन खताब नू बुलाया, उमर जा चला जा बकी गरकत जन्नतुल बकी, मेरी चाची अम्मा वास्ते एक लहद वाली कबर तैयार करो। रसी अल्लाह ताला अनहा, उमर बिन खताब दीगर नबी पाक दे सहाबी तुर पे लहद वाली कच्ची कबर तैयार करन वास्ते। कुछ देर गुजरी, नबी पाक ने बीबियां नू बुलाया, फरमाया नी बीबियो सहाबियात नू कहा इंज करो, मेरी चाची अम्मा नू गुसल दियो ते मेरी चाची अम्मा नू चंगी तरह गुसल दे आ जे। ए मेरी ओ चाची है जेड़ी मैं जिन्हें मेरे नाल बड़े एहसान कीते, मेरे नाल बड़ा हुस्ने सलूक कीता, मेरी अम्मी दी मनिंदे। सुनो लोगो ध्यान नाल, मेरे मुर्शिद पाक है तलीमात दे के ए सबक दे के गल करके आका कब्रस्तान दी तरफ तुरदे पए ने। आका फरमांदे ने तुसा गुसल दियो ते मैं जरा कबर दा जायजा लैके आवां। हदीस अंदर आउंदा चंद कदम चुके ते फिर मेरे आका वापसी मुड़ पे, अपना कुर्ता दिता है। आका फरमांदे ने बीबीओ जदों गुसल दे लवो कफन पहनान लगो ते आ मेरा कुर्ता भी मेरी चाची अम्मा नू कफन दे तौर ते पहना दे। अज नबी पाक अपना कुर्ता दे के कब्रस्तान चले जाते ने। उमर बिन खताब रजी अल्लाह ताला नो दीगर नबी पाक दे साथी एक कबर तैयार करते पे ने। लहद तक कबर पहुंच गई है ते मेरे आका फरमाते ने उमर रुक जा, उमर प्यारे आ ठहर जा, उमर इंज कर कबर चू बार आ जा, अज मोहम्मद दा दिल कर दे मैं चाची अम्मा दी खुद कबर तैयार करा, अज मेरा जी कर दाई मैं कबर खुद तैयार करा। ते मेरे पाक पैगंबर कबर दे अंदर उतरे ने, सहाबा मंजर वेंदे ने, मेरे आका ने हत्थां दे नाल बुक मिट्टी दे पर पर के बार सुटे, लहद वाली मिट्टी साफ कीती है। आका ने जदू कबर दी तैयारी मुकम्मल हो गई, इथे बस नहीं, नबी पाक कबर दे अंदर लेट जांदे ने, लम्मे पै के मेरे आका दुआवां करी जांदे नाले ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਏ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਤਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਖੁੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰਾਕ ਕਰ ਦੇ। ਆਕਾ ਰੋ ਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੈਸੀ ਸੀ। ਓ ਮੀਆਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਚੀ अम्मा दे नाल हुस्ने सलूक दुआवां करन वाली अखीर कर दिती है। चाची अम्मा ने मां वालियां मुहब्बतां कीतियां। आका कबर अंदर फरमांदे ने या अल्लाह मेरी मां जैसी, ते मैं अर्ज कर रहा मां दी मुहब्बत ते मां दी ममता अल्लाह पाक ने बड़ी अजीब बनाई है। ऐ सुनिया जरा ध्यान नाल, तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावां नूं, लोकी रोंदे मावानो मां दियां यादां गम दे हार परो गईयां, एक वेड़े विच किन्नियां कंदा हो गईयां, एक वेड़े विच किन्नियां कंदा हो गईयां, मां ने जोड़ी रखिया सब भैन बेरावां नूं, एवें तेने लोकी रोंदे मावां नूं, जहर जुदाइयां वाला पीना पैणा ऐ, मर मर के उड़ सानू जीना पैना, मर मर के उड़ सानू जीना पैना है।
ओ कित्थों लभिए यार मां दियां खुलियां बावां नूं एवें ते नहीं लोकी रोंदे सुख भी नाली अपने ले जा तू कोई नहीं कहिंदा पुत्रा छावे बै जा तू कोई नहीं कहिंदा पुत्रा जावे बै जा तू तरस गया यार तरस गया यार मां दियां लाडां चावां नूं तरस गया यार मां दियां ने दुआवां नूं एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नूं एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नूं हुजूर कबर अंदर दुआ करके बाहर तशरीफ ले आए ते आका फरमांदे ने जनाजे दा टाइम तैयारी करो भी जनाजा पढ़िए चाची अम्मा दा जनाजा खुद नबी पाक ने पढ़ाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्कत तमीज अंदर दुआवां कीतियां ने दुआवां करके हजरत मैयत लाश नूं कब्रस्तान ले जाया जांदा है सुनो जरा ध्यान नाल आका फरमांदे ने अली अपनी अम्मी दी लाश नूं लहद अंदर खुद उतार दीगर सहाबा नाल ने सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला नो अपनी वालदा माजदा दी लाश नूं लहद अंदर उतार रहे ने अम्मियां जवान बेटा होए अम्मी फौत हो जाए ते हजरात दिल ते क्या गुजर दिए ते फिर अम्मी नू कबर अंदर लहद अंदर उतारे आ जाए ए बड़े दुख ते दर्द वाली बात है अल्लाह जिन्हां दियां मावां तुर गईयां सबर दे दे आमीन कह दियो ते जिन्हां दियां या अल्लाह जिंदा ने खिदमत दी तौफीक दे दे जिन्हां दियां तुर गईयां आखरत दियां मंजिलां आसान कर दे ए दुख उन्हां नू जिन्हां दियां तुर गईया मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां नहीं ते पुछ उनानो जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां नहीं ते पुछ उनानो जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां मां मरे ते पुत्र कल्ले हो जांदे कई वेखण रो रो झल्ले हो जांदे कई वेखण रो रो झल्ले हो जांदे खुश किस्मत मापे जिस दे कोल मियां नहीं ते पुछ उना नो जड़े बैठे ने मावां टोर मियां मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां नहीं ते पुछ उना नो जड़े बैठे ने मावां टोर मियां यादां ने आउंदियां मां दे हत्थों पीन दियां यादां ने आउंदियां मां दे हत्थों पीन दियां मावां बाजू लज़तां कोई नहीं जीन दियां किसे भी शह दी किसे भी शह दी पावे कोई नहीं थोड़ मियां नहीं ते पुछो उना नू जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां मावां वर्गा जगते कोई नहीं होर मियां नहीं ते पुछो उना नू जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां मां मरे ते लागे कोई नहीं बैंदा ए लागे कोई नहीं बैंदा ए मावां बाजू लुक लुक रोना पैंदा
ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਲੰਘਦੀ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਰ ਮੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਰ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਲਾਹਦ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਬਰ ਦੀ ਟੇਰੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਆਂਦਾ ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਮਹਬੂਬਾ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ ਸੁਣਿਓ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਫਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੁਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮਹਬੂਬਾ ਕਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾਹਦ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਕੇ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਪੜਾਇਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਘਾਟੀ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਬਰ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਅੰਮਾ ਲਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿੱਠਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਕਾਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਬਰ ਆਖਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਗੋ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਬਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੈਸਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਸੀ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਰ ਸਜੀਓ ਖੱਬਿਓਂ 70 ਕਦਮ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਸਜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਮਰਾਂਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰਨ ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੂ ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜੇ ਕਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਲਖਵੀ ਮਰਹੂਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਮਰੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਮਰੋੜਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਣਾ ਤਰੋੜਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੋੜੇ ਬੰਨੇ ਪਿੱਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ
दुआ करया कर अल्लाह पाक कब्र दिया सख्तियां तू बचाए। आमीन कहो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो कब्र नु वेख के जारो कतार रोया कर दे। साथियां दिन इतना क्यों रोंदे हो? फरमाया माशर दे दिन सारी दुनिया ने होना है। कब्र अंदर बंदा कल्ला हुंदा है, अंधेर कोठड़ी है, कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई करीबी नहीं, इत्थे बंदा कल्ला हुंदा है। ते ए कीड़ियां मकौड़ियां दा घर है। जे बंदा अच्छे अमाल करके जाए कब्र जन्नत दा बाग बन जांदी है, वरना कब्र जहन्नम दा ईंधन बन जांदी है। ओ मियां कब्र अंधेर कोठड़ी है, इत्थे 5 मिंट लई कमरे अंदर बिजली बंद हो जाए ते बच्चे सियाने तूफान खड़ा कर देंदे ने। हजरात मेरी तरफ वेखिया जे, ओ कब्र जिथे कोई रोशनदान ते खिड़की नहीं, खुदा दी कसम नेकियां होईयां ते आपे जन्नत विचों खिड़कियां खुल जाणगियां। वगरना अंजाम नबी पाक ने दस्या है। हजरात बहुतियां गल्लां ने, सौ हथ सिरे ते गंढ, सौ हथ रस्सा सिरे ते गंढ, वल तन जुर नफसुमा कदमत लेगा दिन वत्ता कुल्ला इल्लाह खबीरुं बिमा तामलू। फिकर करो रब दी अदालत अंदर जाना, उते पूछिया जाना है किवें कमाए, कितने खर्च करके आए। कईयां दी कमाई कुत्तियां पिछे, कईयां दी कमाई कबड्डियां ते टूरनामेंट पिछे। ओ कैसे खुशकिस्मत ने जिन्हां दी कमाई दीन वाले पासे लगदी, अल्लाह दे राह दे अंदर मस्जिद मदारस से लगदी है, ते जिन्हां सारी जिंदगी हजरात भैड़े कम्मां दे अंदर पैसे खर्च कीते। जदों मलकुल मौत आ गया, कहणगे या अल्लाह मोहलत दे दे, टाइम दे दे, पैसे खर्च करके नेक बन जाइए, फिर दोबारा मोहलत नहीं जे मिलनी। खुदारा अल्लाह दी कसम है, बड़े बड़े नेक आए तुर गए, गुनेगार आए तुर गए, किसे नहीं रहना। दौलतां वाले भी तुर गए ने, गरीब भी तुर गए ने। दुआ करया करो अल्लाह पाक ईमान दी हालत अंदर मौत देवे। कई शराबां पींदे मर गए, कई जुआ खेल दे मर गए, कईयां ने कन्ना अंदर लुपियां लाइयां ने, इंडिया दे कंजर सुनदे मर गए। हजरात जेड़ा इस हालत अंदर मरेगा रब नूं की मुंह विखाएगा? ते कई खुशकिस्मत जेड़े अजान देंदे दुनिया तो तुर गए, ओ खुशकिस्मत ने जेड़े कुरान पढ़दे दुनिया तो तुर गए, ओ खुशकिस्मत ने जेड़े नमाज पढ़दे तुर गए, ओ खुशकिस्मत ने जेड़े हज ते उमरा करदे दुनिया तू चले गए। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा उमरा करदे हज बैतुल्ला करदे फौत हो गया, कल कयामत नु कब्र च उठाया जाएगा। खुदा दी कसम ए तलबिया पढ़दा ही उठाया जाएगा। लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, कैसी शहादत वाली मौत है। अमिया जेड़े मन मर्जियां करते जुल्मों सितम दा बाजार गर्म करके बैठे ने, जेड़े गुनावां दी दलदल अंदर उतरे ने, सूद खोरी रिश्वत खोरी हराम खोरी दे अंदर वक्त गुजार रहे ने, ओ नवाज ते मेरा आखिरी पैगाम जरा नोट कर लिया जे। अपनियां मन मर्जियां करने वाले, रब रहमान नू नाराज करने वाले, शैतान नू राजी करने वाले वास्ते पैगाम। मर जाना है, पता नहीं बात अंदर किसे याद भी करना है कि नहीं। मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना आए, मिट्टियां दे थले। अल्लाह करे रब सादत वाली ईमान वाली चंगी मौत देवे। आमीन कहो। अल्लाह आखरत भी बेहतर कर देवे। और मिट्टियां दे थले जदों डेरा साडा होना आए, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थले जिस दिल तू अगले जहान वल जावेगा,
जिस दिन तू अगले जहान वल जावेगा मीच लेगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा तेरे किसे लग देने कोल ना खलोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले अपने अब्बू वाले भी शेर सुनाऊंगा जी अज सजन साथी बेली छड़ी जाना वा अज सजन साथी बेली छड़ी जाना वा जेंदे विच रहिंदा सा हवेली छड़ी जाना वा अल्लाह जाने नाल मेरे अल्लाह जाने नाल तेरे अगे की होना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे धल्ले अज ना आंदे हो कारी साहब चौधरी साहब जट साहब मौलाना साहब जदों रूह निकल गई सावां वाली डोर टुट गई फिर किसे ने कारी साहब नहीं कहना चौधरी नहीं कहना लोग कहणगे लाश किथे पई है मैयत नूं गुसल दिता है कि नहीं लाश किथे वे मैयत नूं नहलाया है कि नहीं आखरी दीदार करना है फिर ना खत्म हो जाणगे लोग लाश ते मैयत कहणगे एक दिन सावां वाली डोर टूट जावेगी फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी होके चुप चाप बुआ अखियां दा मैं टोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले जितने बुजुर्ग बैठे ने सियाने इन्हां नूं पुछो इन्हां दी अम्मी अबू इन्हां दे बुजुर्ग काबिरीन दियां कबरां किथे ने निशान खत्म हो गए कईयां नूं अपने वडेरियां दियां कबरां दे निशान भी याद कोई नहीं इंज है कि नहीं असीं भी तुर जाणा है एक टाइम आना साडियां कबरां दे निशान भी मिट जाण जदों कोई अपना प्यारा तुर जाए हजरात चार दिन सदमा दुआवां ते सारी जिंदगी सिलसिला जारी बंदा कब्रस्तान जांदा दुआ करदा है फिर 15 दिन बाद फिर महीना डेढ़ 6 महीने साल गुजर जावे बंदा मसरूफ हो जांदा है फिर पता नहीं रहिंदा याद नहीं रहिंदा भुल जांदा है कई ऐसे मेरे भाई मुद्दतां गुजर गईयां ओ यार सज्जन जिन्हां बगैर एक पल नहीं सन रहिंदे खुदा दी कसम कबरां थले चले गए हुण शकलां भी चेते कोई नहीं ओ भरा जेड़े भरावां बगैर खाना नहीं सन खांदे ओ तुर गए ने मुद्दतां गुजर गईयां सी कदे उस वीर यार सज्जन दी कबर ते जाके दुआ ही नहीं कीती इत कई इंज दे भी मेरे वीर ने मुद्दतां गुजर गई अपनी अम्मी अबू दी कबर ते भी नहीं गए सालां दे साल गुजर गए इह निज़ाम इंज चलदा रहना असीं भी तुर जाणा है साडियां कबरां दे निशान भी मिट जाणगे कबरां की कहिंदियां ने असां भी नहीं रहना सदा कबरां कहिंदियां असां भी नहीं रहना सदा कबरां कहिंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहिंदियां कबर आली सदा किन्ने मिट्टियां नूं ढोणा किन्ने याद
ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب کرے دو تین جملے اور سن لو میرے بزرگ والد محترم اکثر پڑھیا کردے نے او میں سنا دینا بھائیاں نے کہا وصیت کراں میں اپنے وارثانوں تے جدوں سد لوے مینوں خدا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں 222 کوہلے والے ہو اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے تے والا صاحب فرماندے نے جدوں میں تر جاواں مینوں نال آواز اچی اچی مینوں نال آواز نہ رونا جے نہ نوحا تے بیل کبا پیارے بال توڑیو پٹیو مول نہیں منا کیتا اے خیر الورا پیارے تے فرماندے نے پانی گرم کر کے مینو غسل دینا گرم کر کے مینو غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے تے دیو غسل محمدی صبر کر کے کوئی میرا رازدان بھرا پیار اے نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ آقا فرما دے نے جڑا بندہ میت نو لاش نو غسل دے وے کوئی عیب والی گل ویکھے تے بعد اندر لوگاں دے سامنے اس میت لاش دیاں گلاں بار لوگاں دے سامنے نہ کرے راز راز رہن دے وے جے بار گلاں کرے گا کبیرہ گناہ میرے آقا نے منع فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے حضرات کو چھینج دیاں چیزاں جو ظاہری طور تے عیب نظر آن دیاں نے تے میرے آقا نے منع فرمایا ہے انج دیاں لاش تے میت والیاں گلاں لوکاں نوں نہ دسو حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ دیو غسل محمدی تے صبر کر کے میرا کوئی رازدان بھرا پیارے کفن دفن اندر تے کریو دیر نہیں منع کیتا اے خیر الورا پیارے چٹے کپڑے ہون تے بہت اچھا دینا کفن مینو پہنا پیارے تے فرماندے نے کھودے قبر میری کوئی نیک بندہ قبر میری کوئی نیک بندہ پنج وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ تے دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے
इस जिंदगी दा एतबार नहीं दिता रब ते रब दे रसूल फरमा प्यारे वसीयत करा मैं अपने वार सानू जदों सद लवे मैनू खुदा प्यारे ते फरमांदे ने मैनू दफन करके अपने अपने कम्मां नूं लग जाना मैनू दफन करके अपने अपने कम्मां नूं लग जाना ना बैठना पूड़ी बिछा प्यारे तीजा साता चालिया ते कुल बरसी नहीं शरा दे विच कोई रवा प्यारे फानी दुनिया छोड़ फानी दुनिया छोड़ इदरीस अतीक आखर चलना ही सफर मुका प्यारे याद आवे फेर मेरी जदू याद आवे 222 कोहले वाले ओ किते याद आवे जदू याद आवे फेर मेरी जन्नत मंगना रब तू हाथ उठा प्यारे इस जिंदगी दा एतबार नहीं दिता रब ते रब दे रसूल फरमा प्यारे वमन तवफ़ैतहु मिन्ना فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ آمين وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عبداللہ سرفراز واسطے دعا کرو اللہ پاک تندرستی والی مکمل زندگی دے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بھائی عمر فاروق صاحب بھائی یاسر اللہ پاک انہاں دی والدہ نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس نرہ اللہ جگہ دے اپنے خطیب کاری صاحب مولانا کاری مدثر رشید صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ واسطے دعا کرو اللہ پاک اممہ جی نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس نرہ اللہ جگہ دے مرحومہ دے درجات بلند فرمائے آمین کو دیگر جتنے فوج شدگان نے اللہ پاک سبنا دے درجات بلند فرمائے رانا حفیظ اللہ صاحب انہوں دے والدین واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے مولانا ڈاکٹر کاری محمد ایوب صدیقی صاحب انہوں دے والد صاحب نو اللہ پاک معاف فرمائے درجات بلند کرے اسی طرح جتنے میرے بھائی ہیں بیٹھے نے جنہوں دے پیارے جو جو فوت ہو گئے اللہ پاک سبنا نو معاف کر دے وے دعا فرما لو محترم بھائی سرفراز جٹ صاحب انہوں دی پوری ٹیم بھائی ندیم صاحب بھائی سلیم صاحب جنہاں محبت نہ پروگرام رکھے اللہ قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی قیوم برحمتک استغیث عذب الباسر بن ناس بشف انت شافی لا شفا الا شفا و شفا اللہ جواد ساکم یا اللہ بیماران شفا عطا فرما مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما محترم عبدالحفیظ صاحب ڈرائیور صاحب ان دے واسطے دعا کرنا اللہ پاک دے قرضے دور کرے اللہ پاک دی دنیا آخرت دی ساری پریشانیاں دور فرمائے یا اللہ میرے محترم بھائی یاسر عمر فاروق صاحب دی والدہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس نرالہ جگہ دے محترم کاری مدثر صاحب دی والدہ معاف فرما دے درجات بلند کر دے یا اللہ جنہ دے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جو جو دنیا تو چلے گئے سبنا معاف کر دے
जो जिन्हां दे अपने प्यारे फौत हो गए ने अपने दियां प्यारियां दियां यादां ते आउंदियां ने या अल्लाह असी गुनेगार खताकार हाँ या अल्लाह दुआ कर रहे हैं जो मरहूमीन दुनिया तो उतर गए सबना नु मुआफ कर दे जो प्यारे फौत हो गए ने मुआफ करके दराजात बुलंद कर दे जड़े बीमार ने घर अंदर अस्पताल अंदर या अल्लाह तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे मौलाना अब्दुल रशीद साहब नु तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा साढ़े बाबा जी हाजी मोहम्मद रफीक साहब सूफी खालिद साहब इस तरह या अल्लाह दीगर दोस्त अहबाब जो बुजुर्ग ने सबना नु बीमार ने मामा बहना बेटियां बच्चे बुजुर्ग मुकम्मल तंदरुस्ती अता फरमा मोहतरम भाई राणा जुल्फकार साहब क्रीमिया गेस्ट हाउस वाले तशरीफ ले आए ने मोहतरम भाई मौलाना हबीबुर रहमान साहब मौलाना अब्दुल खालक बुखारी साहब या अल्लाह सर्दी दे शदीद मौसम अंदरे मेरे भाई आए ने इन्हां दा आना भी कबूल फरमा मोहतरम भाई मोटरसाइकिल ते आए ने राणा मेहरान साहब आसफ अली रहमानी साहब वह भी मोटरसाइकिल से डिगया तो गोडे गिटे चलाई फिर रहे तो फिर भी चलो प्रोग्राम वास्ते आए ने साड़ी दिली दुआ है अल्लाह पाक उन्होंने भी तंदुरुस्ती दे ये सर्दी के मौसम अंदर दाएं बाएं पिंडा चो जितने मेरे भरा आए ने या अल्लाह कदम कदम से सआदत बरकत नसीब फरमा अरशां दे शाह जिन्हों का नाम लिया जिन्हों का नाम नहीं लिया सबना ते राजी हो जा बाबा जी अब्दुल हमीद सैकटरी साहब मौलाना उबैदुर रहमान नसार साहब अरशां दे शाह जितने मेरे भाई बुजुर्ग तशरीफ ले आए सबना ते राजी हो जा दुनिया आखरत दे मुआमलात आसान कर दे साढ़े वीडियो वाले भाई हाफज अब्दुल आलीम यजदानी साहब जड़ा वाले तू तशरीफ ले आए ने या अल्लाह हाफज अब्दुल आलीम यजदानी साहब नु तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे दीनी खिदमात कबूल फरमा इश्तियाक साउंड सिस्टम वाले या अल्लाह इन्हां दे साउंड अंदर बरकतां दे वीडियो वाले साउंड वाले सुनन वाले सनान वाले सबना ते राजी हो जा या अल्लाह सी गुनेगार खता कर पापी जे गुनाहां दी तरफ वेखे कुछ नहीं साडे पल्ले तेरी रहमत दी तरफ देखिया जाए फिर बल्ले 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 सानू मुआफ कर दे सौ वारी असा तौबा कीती 200 वारी भन्नी मुड़ मुड़े असा तौबा कर दे रब्बा साडी मन्नी या अल्लाह चौधरी सरफराज इंतहाई मुखलस मोहब्बत करने वाला उलमा दी कदर करने वाला दीनी कम अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला इस मेरे भाई दी दुनिया आखिरत दी सारी परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह दुनिया आखिरत अंदर बेहतरीन शानदार नेमत अता फरमा दुनिया अंदर भी बेशुमार नेमत आखरत नु भी नेमत भाई दे रिजक कारोबार माल सेहत ईमान अंदर बरकतां दे मोहतरम सरफराज भाई दियां बहना माशाल्लाह दूरों तशरीफ ले आईया ने प्रोग्राम वास्ते भी ते दुआ दी दरखास्त भी कर रहे सन अल्लाह पाक उन्हां बहना नु इज्जत दे मुकद्दर अच्छे बनाए ए नेक हाजात पूरियां फरमाए सरफराज दे वालदैन नु अल्लाह पाक तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे मोहतरम हाजी अशरफ साहब साढ़े बुजुर्ग ने बड़ी मुहब्बत करते हैं हाजी अशरफ साहब या अल्लाह कई मेरे भरा मैं सारे दे नाम नहीं ले सकिया लेकिन मैं बार बार या अल्लाह सारे बुजुर्गों लिए सारे भरावान लिए सारिया बहन मावं लिए इजतमाही दुआ कर रहे या अल्लाह सबना ते राजी हो जा जिन्हों का नाम नहीं लै सकिया उन्हों की भी नेक हाजात पूरी फरमा जेड़े इतने कोई नहीं मौजूद या अल्लाह उन्होंने भी राजी हो जा या अल्लाह जितने मेरे भाई कोई कारोबार दे सिलसिले कोई फसल दे सिलसिले कोई घरेलू मजबूरियां दुख दर्द परेशानियां सबना दी तमाम किस्म दी परेशानियां दूर फरमा बे औलाद हजरात नूं नेक बेटियां और बेटे दे दे या अल्लाह बे औलाद हजरात नूं नेक धीयां और नेक पुत्र दे दे जिन्हां दी औलाद है मां बाप दा ताबेदार बना या अल्लाह सानूं इसे साल मक्के मदीने ले जा हरमैन शरीफैन दी रौनकां बहाल फरमा साडी पाक फौज पाक आर्मी की मदद फरमा मुल्के पाकिस्तान नूं अमन सुकून गहवारा बना साढ़े पाकिस्तान दिया सरहदां बार्डरां दी हिफाज़त फरमा साढ़े सिक्योरिटी इदारे मुआफिज इदारे सरकारी इदारे या अल्लाह उन्हां दी हिफाजत फरमा या अल्लाह राजी हो जा जो मंगिया कबूल फरमा जो नहीं मंग सके बिन मंगे आता फरमा क़यामत नूं नबी पाक दी सिफारिश दा हकदार बना दे क़यामत नूं या अल्लाह मैदान माशर नबी पाक दे हत्थों हौज़े कौसर दा हकदार बना दे रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला
वाला मुहतरम मौलाना शकील सलफी साहब ये रह गए ने। बड़ी कोशिश है, बड़ी दुआ है, अल्लाह पाक इन भी खतीबे पाकिस्तान बनाए। डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी साहब बड़िया दुआवा देंगे ने, बाबा अब्दुल हमीद सैकटरी साहब बड़े मशवरे देंगे ने, तो रब के खजाने अंदर कमी नहीं। जे रब चाहे तो इंशाल्लाह बन ही जाना है। दुआ करो अल्लाह पाक इन आली शान खतीब बनाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ आसमान तो डिग के नहीं मरदा, बूटा रिज़्क़ दा अजे जिंदा हरिया हो।